जे सानू खजूरां दे दरख्त भी दुबई तो लियाने पैणगे कादा इन्वेस्ट पंजाब है, साडे दरख्त तां ला लो। तुसीं सारे उहदा हिस्सा रहे हो, MOU साइन हो गया, कुछ नहीं होया। नहीं देखो गल ये आ, कहण ते करन दे विच एकता होनी चाहिए, जो कहने हो करो। एवें मतलब दिखावे की गल ना होवे। रिजल्ट देखो, सक्सेस जिहड़ी है उन्हू शोर मचाउण दो ना। तुसी आप क्यों दस रहे हो कि मैं आ करता, सक्सेस नू बोलन दो कि मैं आ करता, तो लोग गल्लां करदे आ कि हाँ यार कुछ होया, कुछ डिलीवर होने लग गया। सिंगल विंडो, मैं तुम दस्या पहला भी सिंगल विंडो सिस्टम सी, पर हर अफसर की अपनी विंडो सी, विंडो तो सिंगल ही सी। पर वो कहना पहले मेरे वाली ते आ फिर अगली ते जान दूंगा। असी सिंगल विंडो का मतलब सच्ची मुची सिंगल समझते हैं कि तुसी आओगे, सारिया NOC CLU पोल्यूशन ये वो, तुसी फीस भरो, इको कंप्यूटर चो कट के तुहानू सारे सर्टिफिकेट तुसी अपने घरें कढ़ लो, जाके काम शुरू करो जी। टाइम बहुत लेट हो चुके, आपां काम शुरू करिए, क्योंकि पंजाब किसी पक्षों भी घट नहीं हैगा। काम करने वाले पास्यों पंजाबी मन्ने गए ने, मेहनत वाले पास्यों मिट्टी चो सोना उगा लैने असीं। साडे बंदे, मैं यूरोप च गया, फ्रांस च गया, 20-20 रुपये लेके गए सीगे, जिन्हां दी वैल्यू जहाज दिल्ली एयरपोर्ट तो जदों उड़दा है, जदों टायर चक लैंदा है, वो 20 रुपये की वैल्यू खत्म हो जाती है। सिंगापुर वाले भी नहीं बदलते उन्हूं, वो कहिंदे नो डॉलर दिओ जां कोई होर गल करो साडे नाल। वो 20-20 रुपये लेके गए, अज उन ओह बंदे उत्थे 100-100, 125-150 फ्रांस दे, पैरिस दे जिहड़े सिटीजन ने फ्रांस दे, उन्हां नूं काम दे रहे ने, उन्हां कोल इन्नियां वधिया फैक्ट्रियां ने। मैं जदों शो आर्टिस्ट दे तौर ते शो करन जांदा सी तां मैनूं बहुत मिलदे सी जी, आए आए आ, वो कहिंदे सीगे कि असीं इन्नी ठंड पैंदी सी, असीं इक कमरे च रहिंदे सी कि जिहड़ी पानी वाली टूटी है, पहलां 15 मिंट टूटी दे थले स्टोव चलाउणा पैंदा सी, इन्नी ठंड सी कि टूटी दे विच पानी जम्मिया पिया, पानी आउण। इन्ह हालात च असी रह के कामयाब हो सकते हैं, तो सानू जी इतने वधिया हालात अपने घरें मिल जाए, अपने रिश्तेदार जाते आते सानू हालात मिलन, अपनी मदरलैंड से सानू ये हालात मिलन, तो असी दुनिया साढ़े तो वर्गा, साढ़े वर्गा कौन हो सकता जी। गल यह है कि साड़ी शायद सानू भी आप नहीं पता। मैं एक एग्जाम्पल दिना, इस्लामाबाद पाकिस्तान च एक चिड़ियाघर दे विच एक शेर सीगा, शेर लोकां तों डरदा सीगा, मतलब जदों कोई आउंदा सी उस शेर दे पिंजरे दे नेड़े तों एक परां जाके डर के बह जांदा सी। जिहड़े ऑर्गेनाइजर सी चिड़ियाघर दे, ओह कहिंदे यार इह तां बड़ी गलत गल है, वी इहनूं लोक देखण आउंदे आ, इह अपना मूंह भी नहीं दिखाउंदा। उन्होंने डिस्कवरी चैनल वाले लंडन तो स्पैशलिस्ट बुला ले जानवरों के, उन्होंने CCTV कैमरे पिंजरे के आले दुआले लाते, 15 दिन उन्होंने हर एक्टिविटी की वाच की। आफ्टर 15 डेज दे रीच टू ए स्टनिंग रिजल्ट। वो कहते जी यदी माँ भी पिंजरे सी, जन्म पिंजरे ही होया, इस करके इनू पता ही नहीं कि मैं कौन हाँ। शेर उदों शेर बनूगा जदों उन्हूं माहौल मिलेगा, वो जंगल दे विच अपने झुंड दे विच अपने साथियों नूं वड्डे वड्डे झोटियां नूं गर्दन तों फड़ के डेगदा देखूगा,
फिर अपने पंजे हिलाऊगा, फिर वह शेर बनूगा। इहदा मतलब की है? मतलब यह है कि हर वार शेरनी दे पेटों पैदा होने का मतलब भी शेर नहीं होंदा। आपां आपदे आप नूं पछाणीए, बहुत पावर अपने कोले, एनर्जी है साडे कोले। केड़ी चीज है जिहड़ी घाट, हर किस्म का मौसम है साडे कोले। धरती इन्नी उपजाऊ, लोग इन्ने मेहनती, अपने आप नूं थोड़ा जिहा पछाण लईए कि असीं कौन आ, फिर आपां माहौल वाले शेर बणांगे। तुसीं जाणदे होंगे फेमस एथलीट है जिन्हें 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़े है, सारे बहुत रिकॉर्ड दे नाम। उसैन बोल्ट नूं पूछा गया, तेरा कोच नहीं कदे देखा, इंटरव्यू की थी। वो कहते मेरे कोच नूं स्टेडियम च आउण नहीं दिंदे। कहते किवें हो सकदा, तू दुनिया का चैंपियन एथलीट है ते तेरा कोच क्यों नहीं आता? कहता पता नहीं क्यों जी, अंदर ही नहीं आने देंगे मेरे कोच नूं। कहते दसो सी की नाम है? वो कहता जी जमाइका च पैदा होए, जंगलों च रहिंदे सी, तां रोजी रोटी वास्ते शिकार करना पैंदा सी। जो जंगल च शिकार करन जांदे सी तां चीते पिछे पै जांदे सी। कहते बस फिर तां इक्को ही गल हुंदी सी भी भज लिए, नहीं तो आ गया। जे एक कदम भी इधर उधर हो गया चीता पिछे ही आता है, तो वह तो जान बचाने वास्ते भजदे सी। वो कहिंदे मेरे कोच का नाम चीता है जी, लिया स्टेडियम च लेके आओगे। जिन्हां दे कोच चीते होण उन्हां नूं कोई हरा दूगा जी? दसो मैनू। आपां वह पंजाबी हाँ जिन्हां नूं शेरां दी कौम कहा गया, जिन्हां नूं कहा गया हर मौसम दे विच, हर कठिनाई दे विच ये नहीं डोलते। आप है आप कामयाब होवे, पॉजिटिविटी रखनी है। आइडिया होंगे बस एक, देखो जोमैटो एक आइडिया, वो चाहे फरीदकोट तो पैदा होया, चाहे कोटकपुरी तो पैदा होवे, आइडिया है। ओला आइडिया एक कोई पेस्ट की कंपनी सी, मैं नाम नहीं लेना, इंडिया की कंपनी सी, पेस्ट बनाती सी। उन्होंने सोचा कि सेल घट गई, अपने बोर्ड की मीटिंग बुलाई, सलाह दी जी फलाने स्टार नू, शाहरुख खान नू, अमिताभ बच्चन नू, ब्रांड एंबेसडर ले लो जी, सेल बढ़ जूगी। किसी ने कहा जी फलाना वर्ल्ड कप स्पॉन्सर कर दें, सेल बढ़ जूगी। पर एक उदे च अपना बैठा सी पंजाबी, वो कहना भी दसता देऊंगा पर जिन्ने पैसे मैं लेने ने वो पहला दो मैनू आइडिया दसण तो, क्योंकि आइडिया दस्या तो गया। वो कहते ठीक है, तेने एग्रीमेंट कर लिया कि तेरा इन्ने परसेंट हो जूगा। वो कहना कुछ करन दी लोड़ नहीं, कोई रुपया नहीं लगना, अपनी जिहड़ी पेस्ट की जिहड़ी वो है ट्यूब है वो चो ना बहुत जोर नाल दब के पेस्ट निकलता है सवेरे सवेरे, थोड़ा जिहा मूँह खुला कर दो। हुण आदत लोगों नूं उही पई हुई है, इन्ना मारा कर इन्ना आ जा करे, पेस्ट कदे भी दोबारे पाया वापस तुसीं, तुसीं कहां चल कोई गल नहीं यार, चल जिन्ना निकलिया ठीक है। 40% सेल वध गई जी, आइडिया ठीक है ना जी। सो साडे कोले आइडियाज बहुत ने, असी जे डिवेलप करिए, असी उन्हां नूं इंप्लीमेंट कर दिए, तां साडे आइडियाज जिहड़े ने ओह दुनिया भर जिहड़ी दुनिया दे विच मशहूर भी ने ते होणगे भी। सो मैं अज तुहानू सारे नू इनवाइट करदा कि जिहड़े ते इत्थे ने वो इत्थे रहो, ते तुहानू होर मौके मिलणगे फैक्ट्रियां नू वड्डियां बनाउण दे, ते पता लगे दुनिया नू कि हाँ पंजाब भी इंडस्ट्रियल हब बन गई। जिस तरह मैं बाहर गल कर रहा सी नवदीप, एक कुड़ी पिंड विच काम शुरू किया,
नवदीप ना मंदी पिंड दे विच काम शुरू किया है अपने पिंड च, और 150 दे करीब उहदे कोले उसे पिंड दे बंदे काम करदे ने। अगला उन्हें जे एक्सपैंड किया तो नैक्सट पिंड च किया, ना कि अपने पिंड च कोई ज्यादा ला के उन्होंने कहे कि इत्थे आओ। सो आपां भी थोड़ा जिहा आपां नूं फैलण दी लोड़ है, आपां चंद शहरां तक सीमित हो गए, थोड़ा जिहा आपां, क्योंकि फिर उस तों बाद की हुंदा है जदों इंडस्ट्री जांदी है जिथे, फिर लोग उधर नूं परिवारां समेत आउंदे है, फिर स्कूलां दी प्रॉब्लम आउंदी है, फिर उन्होंने रहन वो नवे घर लेने पैणगे उन्होंने जां अपार्टमेंट रहणगे, बजाय इस दे कि आप थोड़ा जिहा उधरले पासे जिहड़ा लैंड लॉक एरिया जां जिथे नहीं हैगा उत्थे असीं तुहानूं लैंड प्रोवाइड करावांगे, लैंड भी सस्ती पऊगी। हुण तां आपणे कोले हाईवे भी, पहलां इक्को ही हुंदा सी NH1, हुण हाईवे 4-5 जिहड़े दिल्ली नूं कनैक्टिविटी है। ते एक होर खुशी दी गल मैं तुहानूं दस दिंदा, साडी टाटा स्काई नाल, क्योंकि जिहड़ी एयर इंडिया है वो टाटा स्काई बन जाणी है, उहदा नाम टाटा स्काई होऊगा, जिहड़ा उहनां दा टाटा स्काई सैटेलाइट सी उहदा नाम टाटा प्ले कर लिया उहनां ने। सो टाटा स्काई हुण प्राइवेट हो गई, एयर इंडिया जिहड़ी है टाटा स्काई नाल गल हो रही है, विस्तारा नाल गल हो रही है, ब्रिटिश एयरवेज नाल गल हो रही है, एयर कनेडा नाल भी गल हो रही है कि सानू अमृतसर साहब मोहाली तो सीधियां लंडन, टोरंटो, वैनकूवर, सिलिकॉन वैली, SFO, शिकागो, न्यूयॉर्क दी फ्लाइटां मिल, बिल्कुल अपडेटेड साढ़े कोल इमीग्रेशन सिस्टम है, कस्टम सिस्टम है, जिहड़ा टर्मीनल है वो एक है, वो बचाले रह जूगा, एक इधर बनूगा एक इधर बनूगा, तीन टर्मीनल होणगे साढ़े कोल, जो साढ़े कोल इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ गई, 5-star, 7-star होटल्स ने, कोई रहन की प्रबंध कोई वह नहीं हैगी दिक्कत, अंबैसीज इत्थे आ रही ने। सो सानू इस तरह अमृतसर साहब है, लखां की तादाद दे विच टूरिस्ट एक दिन चाहुंदा है, मत्था टेकन आउंदे है, कोई बॉर्डर ते झंडा दी झंडे दी जिहड़ी रस्म है वह देखता है, कोई वार म्यूजियम देखता है, तो साढ़े कोल टूरिज्म का भी बहुत बहुत वड्डा स्कोप है जिन्हों हजे तक छेड़िया ही नहीं गया। और लक्कीली इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने कोल टूरिज्म भी है। एक मैं थोड़े नाल वादा करदा, इस बार थोड़ा जिहा मैं थोड़ा बिजी सी तां करके 15 अगस्त वगैरह फंक्शन सी, PM साहब ने भी आना सी। नैक्सट जिहड़ा अपना इनवैसट पंजाब का जिहड़ी मीटिंग होगी वो 5-star च नहीं होगी, तुहानूं असीं वह पंजाब दिखावांगे जिहड़ा तुसीं भी नहीं देखिया होना। जदों आपां आनंदपुर साहब गए, आडिटोरियम है बहुत सुंदर, जदों रणजीत सागर डैम ते गए, जदों धार कलां वाले वाटरफ्रंट ते गए, रणजीत सागर डैम दे विच 16 acre का आइलैंड है। असीं टूरिज्म इंडस्ट्री नाल गल कर रहे हैं, डिवेलप करो, मैं शर्त लाउण नूं तैयार हाँ कि उदयपुर वाला जिहड़ा ताज लेक है उहदे नालों वध, क्योंकि ZT बन जूगी, इन्ना नीला पानी, इन्ना ब्लू वाटर, मैं दुनिया घूम ली, ज़्यादा मैं पटिंगटन देखे इन कनेडा नियर कलोन इन BC, पटिंगटन इज ए स्मॉल सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल लेक सी, ज़्यादा इन्ना पानी पटिंगटन च है। जे तुसी सरी तो कैमलूस जा रहे हो, प्रिंस जॉर्ज जा रहे हो, जा अगे कैलगरी जा रहे हो, रस्ते च आउंदा है कलोना पटिंगटन, मैनू उन्हां दे भी रस्ते पता दे लो, इत्थे वालों नूं अपने आप आप दे पिंड नहीं दिंदे। सो जा तुहानूं असीं उत्थे दिखावांगे, असीं तुहानूं पंजाब दिखावांगे 5-star होटलां दे विच, ठीक है इत्थे समिट हो गया, आ सारियां फैसिलिटियां साडियां, जे ऐसे माहौल च लगियां होण जिते तुसीं नाल नाल पंजाब नूं हरा भरिया, पंजाब दीआं कोयलां बोलदियां, पंजाब दे पंछी देखोगे, तां तुहानूं होर तो होर वी वधिया लगूगा। सो टूरिज्म नूं असीं बहुत असीं बढ़ावा देंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री जिहड़ी है। एक होर यूनीक आइडिया, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इत्थे बैठे ने,
ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੈਟਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਰਧਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਕਾਂਡਲਾ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਢੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 25,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ 3% ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ, ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡਸ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਔਨ ਵੀਲਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਬੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾ ਲੈ, ਕੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੱਸਦਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲੇ ਪੱਖੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੀਨਿਊਅਲ ਐਨਰਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਉ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਚਪਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਚਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੜਛੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਕਿਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰੱਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਗਏ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣਾ, ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਅ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੌਗਾਤ ਮੰਗਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ,
ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜੀਰਾ। ਸੋ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੇ ਵੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ GST ਆ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੁਲਾਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਅਰੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਓਕੇ 12-12% ਵੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਈਬ ਮੰਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ, 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.5% ਵੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 7% ਵੈਟ ਘਟਾ ਤਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ GST ਹੈ, 12.5% ਤੋਂ 5.5% ਵੈਟ ਕਰਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ 7% ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਆਊਗਾ ਵਾਪਸ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਰੋਡਸ, ਇਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਆਫ ਸਕੂਲਸ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਵਧੀਆ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹਾਊਸਿੰਗ। ਸੋ ਜੋ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁੱਕਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਫਿਰ CA ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਥੱਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ ਬਸ, ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਬਈ ਅਸੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ, ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਖਬਾਰ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ, ਹੱਦ ਯਾਰ, ਖਮਾਉਣ ਯਾਰ, ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ
की लै जाओगे इत्थों तुसीं? शहीद आजम भगत सिंह होर ने 23 साल की उम्र फांसियां ते चढ़ के सानू देश लैता ते असीं उस देश नू इन्ना समझ लिया कि जदों मर्जी लुट लीए। कौन किहनू लुटदा है? अपने अपने नू लुटदे है। सानू दुख इस गल दा है, पंजाबियों नू भी दुख इस गल दा है, इंडियन आपां सारे इंडियन सानू दुख इस गल दा है कि सानू साडे ही लुटदे है। लोहे दी ते सोने दी दुकान आमो सामने सी बाजार च, तां एक दिन सोने ने लोहे नू कहा कि थौड़ा तेरे भी वजदा है, थौड़ा मेरे भी वजदा है, पर तेरी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा नहीं आती यार, सारे बाजार च तेरी आवाज़ आती है। लोहे नू कहा सोने ने, कहिंदा लोहे दा थौड़ा तेरे ते वजदा, लोहे दा थौड़ा मेरे ते वजदा, पर तेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती, शोर बहुत करदा तू। तां लोहा कहिंदा बिल्कुल सही गल है, थौड़ा तेरे भी वजदा, थौड़ा मेरे भी वजदा, मेरी आवाज़ बहुत आती है। कहिंदा भरा मेरिया, उहदा कारण इह है, तू सोना है, तेरे ते लोहे दा थोड़ा बजदा है, तेरे लिए लोहा बगाना है, बगानिया ने तो कुटना ही होंदा है, बगाना तो की उम्मीद कर लोगे, बगाना ने तो कुटना ही होंदा, तैनू कुटी जांदे, तेरी आवाज़ नहीं आती। मैनू दुख इस गल दा, मैनू मेरे अपने कुटदे ने, लोहे दा थोड़ा लोहे नू कुटदा है। सो सानू दुख इस गल दा, असीं बगानिया नाल निपट लांगे, साडे अपने की करिए जिहड़े लुटी जांदे, उहदे वास्ते आपां इकट्ठे हो काम करो, साडे अंडर जो आंदा है असी तुहानू प्रोवाइड करावांगे। मेरी इन्नी स्वार्थ ला लो मेरा कि मैं तुहानू टैक्नीशियन भी दूंगा, मैं इंजीनियर भी दूंगा, मैं उन्हां नाल वादा करूंगा कि ओके तुसी जाना नहीं, तुहानू इत्थे काम मिलेगा। जिस दिन उन्हां नू काम मिलिया उस दिन फिर मैं उन्हां नू कह सकूंगा, नहीं फिर उन्हां चिर मैं भी उन्हां नाल अखां नहीं मिला सकता कि तुसीं तां कहिंदे सी जी इत्थे काम मिलेगा, दसो कितने मिलेगा। सो बहुत वड्डी शुरुआत अज हुई है, टाटा स्टील जिहड़ा जमशेदपुर तो बाद सब तो वड्डा प्लांट उन्हां दा लुधियाने दे विच आ रहा है। नॉर्थ इंडिया दा फस्ट है। 2600 करोड़ रुपया वो लाउणगे। होर भी तुसीं तां बैठे ही हो साडे घर दे हो, जदों मर्जी मैनू मोढे तो फड़ के रोक लो, मैनू मेरे सीनियर हो, मेरे बजुर्ग, मेरे पिता दी समान दे बुजुर्ग बैठे ने। आई मे बी रोंग, मैं गलत भी हो सकता, तुसीं मैनूं दसो कि काका ऐ नहीं ऐ कर, इहदे नाल फिर ऐ हो जूगा, मैं करूँगा। लोकां ने पेन दिता है, वह विश्वास दिता है, जिहड़ा लोकां दा पेन है उहदे विच विश्वास की स्याही पाई हुई है, जे वह स्याही कितें इधर उधर गलत जगह चल गई तो विश्वास टुट जूगा लोगों का। सो विश्वास जिहड़ा वह नहीं तोड़ना, पब्लिक का भी, ये मैं तुहानू विश्वास दवाउणा, मैं तुहाडा विश्वास नहीं तोड़ना, तुसीं मेरे ते विश्वास करो। सो ये गल हुण अज दिमाग च लैके जायो कि सरकार साडी है, साडी मीनस पब्लिक दी, तुसीं पब्लिक का हिस्सा हो, सरकार तुहाडी है, तुसीं सरकार दे मालक हो। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्री वाले नूं पुछ के सारे तुहाडे सुझाअ जिहड़े ने हजे भी असीं लै रहे हां सारे, क्योंकि जिथे समस्या हल भी उत्थे ही है। सियाणे कहिंदे बटुआ जिथे गुआचे उत्थों ही लभदा हुंदा। सो जे तुहाडा किसे दा बटुआ गुआचिया है तां लभूगा भी उत्थों जिथे गुआचिया, आपां भाळांगे लभांगे। जे तुहाडे बटुए च कुछ होऊगा ताइयों पंजाब दे चुल्ल्यां दी अग चलूगी। तुसी इंडस्ट्री वाले हो, तुसी उद्योगपति कहने तुहानू, तुसी उद्योगां राहीं तुहाडियां चिमनियां दे विच्चों, तुहाडियां फैक्ट्रियां दे चिमनियां दे विच्चों जे धुआं निकलूगा तां साडे चुल्ल्यां दी अग बचूगी। मैं तुहानू फिर बेनती करदा पंजाब दे चुल्ल्यां चों अग जिहड़ी है उह बुझण नहीं देणी, ते सिव्यां दी अग जिहड़ी पंजाब दे विच बहुत उच्चियां लाटां हो गईआं उहनूं आपां ठल पाउणी है। कदें ना कोई नशे ना मर के, बेरोजगारी करके, गरीबी करके, महंगाई करके, आओ कट्ठे होके आपां पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाईए। सानू कैलीफोर्निया लंडन पैरिस बनाउण दी लोड़ नहीं, सानू तां साडा पुराना पंजाब ही मोड़ दो। हसदा खेडदा भंगड़े पाउंदा गिद्धे पाउंदा छिंजां करदा ते उस रंगले पंजाब वास्ते कुछ भी करना पै जाए
सरकार वालों तुहानू कुछ चाहिए मैं हाजिर हाँ ते तुहाडे तो भी यही उम्मीद करदा कि तुसी भी जिहड़ा पंजाब है आने वाले दिनों दे विच ओह पंजाब नू लोक कहणगे हाँ यार बजुर्ग जिहड़े 90-90 साल दे हो गए वह भी उन्हां दी अखां भी थोड़ा जिहा देख जाणगियां कि हाँ यार दुनिया तो जाण तो पहलां असी देख लिया कि साडा पंजाब जिहड़ा लीह ते चढ़ गया ते लीहां आपां बनाउणियां ने। बहुत बहुत धन्नवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, मेरी इन्नी हाजरी कबूल करे।